In this video, I will show you how to improve CPU speed in Windows 10. Let's start the video. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह हम अपने पीसी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आप लोकेशन टाइप करें सर्च बार में और यहाँ पर लोकेशन प्राइवेसी सेटिंग पर क्लिक करें। इसका डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। जैसे इसका डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन होगा तो आप देख सकते हैं कि ये लोकेशन है। लोकेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में क्लियर हिस्ट्री, यहाँ पर हम इसकी तमाम कैशे को क्लियर कर देंगे। क्लियर के बटन पर क्लिक करके और वापस बैक आएंगे और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे परसेंटेज ऐप डाटा परसेंटेज। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी हम क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। सिंपल मेथड है इसको ओपन करने का। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ऐप डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे और लोकल ड्राइव पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। इसका डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे स्पॉटिफाई, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसकी कैशे फाइल्स हैं जो कि यूज़लेस हैं और हमारे पीसी को स्लो करती हैं। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे और रिसाइकल बिन से भी इसको डिलीट कर देंगे जाकर। तो ये सिंपल एक मेथड है। फिर हम क्या करेंगे, फिर ऐप में आएंगे, ऐप डाटा में, ऐप डाटा में आने के बाद लोकल पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टेम्प फाइल जो है इनको सेलेक्ट करेंगे। टेम्प फाइल को सेलेक्ट करने के बाद या इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद इन तमाम फाइल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि सेलेक्ट ऑल करेंगे और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे और रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देंगे जाकर। तो ये सिंपल मेथड है। इसके बाद हम फिर सर्च बार में आएंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। तो जैसे ही हम ये टाइप कर लेंगे तो इसके बाद सिंपल वैसे ही हमने इसको ओपन कर लेना है क्लिक करके। तो हमारे पास जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। हमने सेलेक्ट करना है इसको, सेलेक्ट ऑल करना है कंट्रोल ए के साथ और इसको क्या करना है, चेक के बटन पर क्लिक करके स्किप कर देना है। तो जो फाइल्स डिलीट हो जाएंगी वो ठीक है, बाकी सिस्टम के यूज़ की फाइल हैं वो डिलीट नहीं होंगी। इसके बाद फिर हम सिंपल क्या करेंगे, स्टार्ट मेन्यू में आएंगे, रन कमांड में आएंगे और टाइप करेंगे टेम्प, यानी कि टेम्परेरी फाइल्स। ये टेम्परेरी फाइल्स विंडो की टेम्परेरी फाइल्स हैं। इसके ऊपर हम ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, ये फाइल्स हमारे पास आ जाएंगी। इसको हमने कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल ए करने के बाद सिंपली मेन्यू के साथ हमने डिलीट कर देना है, स्किप करना है और वापस बैक आ जाना है। ये सिंपल सा मेथड है इसको करने का। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट मेन्यू में आएंगे, यहाँ पर रन में आएंगे, प्रीफिच लिखेंगे। प्रीफिच लिखने के बाद इसकी हम तमाम जो फाइल्स हैं, जो टेम्परेरी फाइल्स हैं, कैशे हैं, इसको हम रिमूव कर देंगे। सिंपल इसको कंट्रोल ए करेंगे या सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये तमाम फाइल्स डिलीट होकर रिसाइकल बिन में चली जाएंगी। वहाँ से आपने जाके इसको रिमूव कर देना है, रिसाइकल बिन से भी इसको डिलीट कर देना है। जैसे ही आप इसको डिलीट कर लेंगे इसके बाद हम फिर सर्च कमांड में आएंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे या सर्च बार में टाइप करेंगे डिस्क क्लीन अप। आप अकेला डिस्क भी लिखेंगे तो ऊपर डिस्क क्लीन अप खुद ही आ जाएगा। यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसका डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। हमने यहाँ से क्या करना है, हमारे पास सभी ड्राइव्स हैं, यहाँ पर हमने सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है, ओके के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर तमाम चेक्स, जितने भी चेक्स हैं सभी में हमने क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ पर क्लीन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा डिस्क क्लीन अप का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर कुछ टाइम लेगा और जितनी भी फाइल्स हैं जो कि जंक फाइल्स हैं या कैशे क्लियर हैं सी ड्राइव में, वो सब क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हमने क्या करना है, एक बहुत मेजर सेटिंग है, सर्च बार में हमने टाइप करना है क्रिएट रिस्टोर पॉइंट। जैसे ही आप क्रिएट रिस्टोर पॉइंट टाइप करेंगे तो यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा सिस्टम प्रोटेक्शन का। यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास सी जो है इसकी प्रोटेक्शन ऑफ है, तो हम इसको ऑन कर लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे और टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप इसको सेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर आप करना चाहें तो इसकी स्पेस को। तो इसको सेट करने के बाद आपने क्या करना है, अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है, ओके करना है तो हमारा रिस्टोर पॉइंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे बेसिकली ये यहाँ पर हम टाइप करेंगे कोई भी एक नाम। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ क्रिएट 2022, तो यानी कि 2022। तो इसके ऊपर मैं क्लिक के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है उसकी प्रोटेक्शन के लिए रिस्टोर पॉइंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब जब भी हम चाहें तो हम अपनी विंडो को रिस्टोर कर सकते हैं। आज की ही डेट में
सेम जो आज पीसी की कंडीशन है इस हिसाब से। तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। वापस अगर आएँ तो यहाँ पर हमने सिंपल डिलीट का बटन है, डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू के बाद यहाँ पर क्लोज करना है, और अप्लाई और ओके करने के बाद हम इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और फिर ओके करेंगे, तो हमारा रिस्टोर पॉइंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हम फाइल एक्सप्लोरर में आएंगे, चाहे माई कंप्यूटर से आ जाएं या टास्क बार से आप यहाँ पर एक्सेस कर लें। तो यहाँ पर अगर हम व्यू पर क्लिक करें तो यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन के बटन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा फोल्डर ऑप्शन का। यहाँ पर हमने व्यू पर क्लिक करना है और जितनी भी हिडन फाइल हैं उनको शो करना है। शो करने के बाद अप्लाई और ओके करना है। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जनरल के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ दोनों टिक पर क्लिक करके क्लियर जो हिस्ट्री है या कैशे है इसको हमने क्लियर कर देना है। तो हमारे पीसी की जो रैम और स्पीड है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी इससे। तो यहाँ पर हम इसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद अब हमारे पास एक बहुत ही लेटेस्ट जो CMD मेथड है इसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम सर्च बार में टाइप करेंगे CMD। टाइप करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इसको ओपन करना है। तो इसका डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये ब्लैक विंडो है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर दो सेटिंग्स हैं। हमने यहाँ पर टाइप करना है wsreset.exe। अगर हम ये लिख के इंटर करते हैं तो हमारा जो ऐप स्टोर है वो रीसेट हो जाएगा, और उसमें जितनी भी कैशे हैं या अगर वो सही तरह से वर्क नहीं कर पा रहा तो इसको सही तरह से ये वर्क कर पाएगा। तो यहाँ से हम इसको क्लोज़ करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सेकंड कमांड है /flushdns। अगर आपका इंटरनेट सही तरह से वर्क नहीं कर पा रहा और कैशे जो है उसको आप रिलीव करना चाह रहे हैं तो इससे आप क्या करेंगे, /flushdns टाइप करेंगे और इंटर के बटन पर सिंपल क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी रिजॉल्वर कैशे है वो रिमूव हो जाएगी और आपके पीसी की और इंटरनेट की स्पीड जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और लास्ट में आपने क्या करना है, एग्जिट टाइप करना है, इंटर करना है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, पीसी को सिंपली रीस्टार्ट कर देना है और आपके पीसी की स्पीड जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी।